तो गाइस भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर विवाद का फैसला हिंदुओं के पक्ष में करके सुना दिया और उसके बाद से ही हिंदू समाज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के काम में तेजी के साथ लगा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि तय समय सीमा से पहले ही भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम समाज भी अयोध्या के अंदर एक भव्य मस्जिद की तामीर कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। दोस्तों ये तो सभी को पता था कि जो ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज को दी है उसके ऊपर एक भव्य मस्जिद बनकर तैयार होगी, लेकिन एक आम सवाल अक्सर आता है कि क्या मुस्लिम समाज इस मस्जिद को भी बाबर के ऊपर ही इस मस्जिद का नाम रखेगा। तो दोस्तों इसी के ऊपर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने यह कन्फर्म कर दिया है कि अयोध्या में बनने जा रही मस्जिद भव्य तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका नाम बाबर के ऊपर नहीं रखा जाएगा। उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा, इस मस्जिद का नाम होगा अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी मॉस्क्यू, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी मस्जिद। तो दोस्तों आखिर ये अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी कौन है जिनको इतना ज़्यादा सम्मान मुस्लिम समाज दे रहा है, जिनके ऊपर बाकायदा अयोध्या के अंदर जो भव्य मस्जिद बनने जा रही है उनका नामकरण इस मस्जिद के ऊपर हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कौन है अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी और आखिर उनका इस मस्जिद से क्या कनेक्शन है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भारद्वाज व्यू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की नॉलेजेबल फैक्ट्स और न्यूज़ वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी जिनके ऊपर अयोध्या की भव्य मस्जिद का नामकरण किया जा रहा है, दरअसल इनको अवध का नायक कहा जाता है और ऐसा इस वजह से है कि अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं जो 1857 में स्टार्ट हुआ। दरअसल 1857 के गदर के अंदर अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी ने अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अंग्रेज़ मौलवी साहब से बहुत ज़्यादा डरते थे और इसकी जो तस्दीक होती है इसी बात से पता चलती है कि उस वक्त की अंग्रेजी सरकार ने अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी जी के ऊपर एक बहुत भारी धनराशि रखी हुई थी कि उन्हें कोई पकड़वा दे। और ऐसा हुआ भी, कुछ पैसों के लालच में अपने ही देश के एक राजा ने अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी को पकड़वा दिया अंग्रेज़ी सरकार के हाथों। लेकिन दोस्तों इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अवध के अंदर मौलाना अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी के प्रति स्नेह, उनके प्रति आदर आज तक कम नहीं हुआ है और यही चीज़ दर्शाती है कि इतने सालों बाद भी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या में बनने जा रही भव्य मस्जिद का नाम मौलाना अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी के ऊपर रखा है। तो दोस्तों बहुत ही स्वागतपूर्ण कदम है ये मुस्लिम समाज का, अयोध्या फैज़ाबाद के मुस्लिम समाज का। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन भारद्वाज जी उसके साथ आप बने रहिएगा। जल्दी मुलाकात करता हूं आपसे एक नए सब्जेक्ट पर, एक नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।